हाल ही में बीते कुछ दिनों में ईडी काफी सुर्खियों में बनी हुई है। बात करें ईडी की यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की, तो यह एक बहुअनुशासनिक संगठन है जो धन शोधन के अपराध और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच के लिए अधिदेशित है। निदेशालय के वैधानिक कार्यों में निम्नलिखित अधिनियमों का प्रवर्तन शामिल है, जैसे कि धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। इन वैधानिक कार्यों के बारे में हम फिर कभी किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं दरअसल बात क्या है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की ईडी की पूछताछ के बाद अब बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ईडी ने जैकलिन को 215 करोड़ की रंगदारी मामले में आरोपी बनाया है। ऐसा माना जा रहा है कि ईडी जैकलिन के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर सकती है। इससे पहले ईडी सुकेश चंद्रशेखर के साथ कथित संबंधों को लेकर जैकलिन से पूछताछ भी कर चुकी है। ईडी का मानना है कि जैकलिन को पहले ही पता था कि सुकेश एक अपराधी और जबरन वसूली करने वाला व्यक्ति है। उन्हें वसूली के पैसों के बारे में भी पता था। बता दें कि सुकेश ने 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि एक्ट्रेस को दी थी। इसमें से 7 करोड़ 15 लाख रुपए की एफडी हुई थी। इस रकम को अप्रैल महीने में ईडी ने सीज कर लिया था। इसके अलावा 15 लाख रुपए कैश भी सीज कर लिए गए थे। हालांकि जैकलिन ने अपने बयान में अब तक यही कहा है कि सुकेश से उसकी जान पहचान बतौर एक फैन के रूप में हुई थी। इसके अलावा सुकेश का उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो फैंस के रूप में उन्हें महंगे गिफ्ट्स देता रहता था। लेकिन ईडी इस बात से सहमत नहीं है। ईडी का कहना है कि अगर यह सब कुछ वसूली के पैसों से किया गया है तो यह सब भी क्राइम के तहत आता है। जांच में यह बात सामने आई थी कि सुकेश ने जैकलिन के पेरेंट्स और विदेश में रहने वाली उनकी बहन की महंगी गाड़ियां तोहफे में दी थी। उनके भाई को भी 15 लाख रुपए दिए थे। सुकेश ने जैकलिन को एक अच्छी नस्ल का घोड़ा भी तोहफे में दिया था। तो ये कुछ जानकारी थी जो आजकल सुर्खियों में काफी बनी हुई है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और तब तक देखते रहें देखो सिखो एजुकेशन।